गुजरात के हर शहर की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। जूनागढ़ का शिवरात्रि उत्सव, राजकोट का जन्माष्टमी उत्सव, अहमदाबाद का पतंगोत्सव, कच्छ का रणोत्सव, उसी तरह हमारी संस्कारी नगरी वडोदरा का गणेशोत्सव जो पूरे गुजरात में फेमस है। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं वडोदरा में हूँ एंड मेरे वडोदरा के दोस्त मुझे यही भव्य गणेश महोत्सव की शेयर करवा रहे हैं। सफर के दौरान मेरे दोस्त ने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी एंड उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे अभी मैं आपको वडोदरा के टॉप 10 गणपति डेकोरेशन के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये नंबर तो वीडियो को ज्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए दे रहा हूँ, ये मेरी सोच है। आपकी सोच के हिसाब से कोई और गणेश जी का डेकोरेशन भी नंबर 1 पे आ सकता है। सो प्लीज माइंड में मत लीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 10th नंबर पे प्रताप मड़था की पोल के राजा जो मंगल बाजार में आया हुआ है, उसकी फिनिशिंग, लाइटिंग एंड मूर्ति के ऊपर जो डायमंड्स लगे हुए हैं वो आपको ज्यादा आकर्षित एंड एक्साइटेड करेंगे। दर्शन अभी आप स्क्रीन के ऊपर कर ही रहे हो। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। नंबर 9 पे आते हैं सुमुख विनायक गणपति जी जो न्याय मंदिर के पास आए हुए हैं। गणेश जी का शिवोमय स्वरूप एंड झूले पे विराजमान गणपति जी आपको बहुत ही मनमोहित लगेंगे। अभी स्क्रीन के ऊपर आप दर्शन कर ही रहे हो 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। नंबर 8 पे आते हैं इच्छापूर्ति गणपति जी जो मांजलपुर में आए हुए हैं। रजवाड़ी डेकोरेशन एंड यहाँ की हिस्ट्री यह गणपति जी की स्पेशलिटी है। ऐसा कहा जाता है कि कहीं सारे लोगों की ख्वाहिश है यह गणपति जी ने पूर्ण की है। अभी स्क्रीन के ऊपर आप दर्शन कर ही रहे हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गणपति बाप्पा सुपर स्टार। दोस्तों, नंबर 7 पे भाईजी दरोगा की पोल के गणपति जो नवा बाजार पे आए हुए हैं। मुंबई के लालबाग के राजा की सेम टू सेम कॉपी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अभी आप स्क्रीन के ऊपर दर्शन कर ही रहे हो तपेली में सीरो गणपति बाप्पा हीरो। इस लिस्ट में नंबर 6 पे है कुबेरेश्वर गणपति जी जो मांजलपुर में आए हुए हैं। यहाँ पे आप बहुत ही बड़ी एंड मनमोहित प्रतिमा के नजदीक से दर्शन कर सकते हो। खूबसूरत लाइटिंग एंड डेकोरेशन भी आपको एक्साइटेड करेगा। गणपति जी के पीछे ही कुबेरेश्वर महादेव का खूबसूरत मंदिर भी है, तो वहां पे भी जाके शिव दर्शन करना भी मत भूलना। खूबसूरत दर्शन अभी आप स्क्रीन के ऊपर कर ही रहे हो नो चाइना नो कोरिया गणपति बाप्पा मोरिया। हमारे लिस्ट में 5वें स्थान पे है चकन्या पोल के गणपति जी जो मंगल बाजार में आए हुए हैं। हमारा नया बना हुआ पार्लियामेंट एंड साथ में सेंगोल लेके खड़े हुए मोदी जी, ये थीम मुझे बहुत ही पसंद आई एंड आपको भी पसंद आएगी। अभी स्क्रीन के ऊपर आप चकन्या पोल के गणपति जी के दर्शन कर ही रहे हो। लाल फूल पीले फूल हमारे गणपति बाप्पा ब्यूटीफुल। जैसे जैसे काउंट डाउन कम हो रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे लिस्ट में नंबर 4th पे है आशीर्वाद गणेश जो डांडिया बाजार में आए हुए हैं। स्पेशलिटी की तो क्या बात करूं, बागेश्वर धाम के संचालक धीरेन्द्र शास्त्री खुद यहाँ पे सोने का सिंहासन अर्पण करने के लिए आए थे। यहाँ पे गणेश जी 1 करोड़ रुपए के सोने के सिंहासन पे विराजमान है। खूबसूरत डेकोरेशन एंड लाइव प्रोग्राम आपको मनमोहित कर देगा। खूबसूरत आशीर्वाद गणेश के दर्शन अभी आप स्क्रीन के ऊपर कर ही रहे हो। 1 गार्ड 2 गार्ड हमारे गणपति बाप्पा बॉडी गार्ड। क्या आप गेस कर सकते हो नंबर 3 पे कौन से गणपति जी आएंगे? हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है मनमोहन के राजा यानी कि वडोदरा के महाराजा जो मांजलपुर में आए हुए हैं। भव्यति भव्य प्रवेश द्वार, बहुत ही बड़े झूले में झूलते हुए गणेश जी एंड आसपास आए हुए फूड स्टॉल आपको बहुत ही आनंद दिलाएंगे। इंस्टाग्राम फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया से आप वडोदरा से कनेक्टेड हो तो आपने इस गणपति के दर्शन तो किए ही होंगे।
खूबसूरत गणपति जी के दर्शन स्क्रीन के ऊपर अभी हो रहे हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। अभी तक आपने वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही मेरा उत्साह बढ़ता है। हमारे लिस्ट में दूसरे स्थान पे है कालूपुरा के राजा, जो नवा बाजार में आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत एंट्री एंड लाइट का डेकोरेशन एंड पूरी डिफरेंट थीम के साथ बनी हुई गणपति जी की मूर्ति आपको बहुत ही पसंद आएगी। खूबसूरत लाइट्स के बीच अगर आपको फोटो खींचना है तो ये बेस्ट प्लेस है। अभी स्क्रीन के ऊपर खूबसूरत गणपति जी के दर्शन हो ही रहे हैं। 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार। आर यू रेडी फॉर नंबर वन? द नंबर वन इज मांजलपुर का राजा, जो मांजलपुर में आया है। बाहर लगा हुआ ये खूबसूरत मेला, इतनी सारी लाइट्स एंड बहुत ही सारे स्टॉल एंड फूड स्टॉल, ये सब बता देते हैं कि नहीं बड़ौदा में बाप्पा आए हैं। बहुत ही बड़ी गणपति जी की प्रतिमा एंड उसी प्रतिमा के सामने गणपति जी के भजन की म्यूजिकल नाइट, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। अगर आप वडोदरा में रहते हो तो एक बार मांजलपुर का राजा की विजिट जरूर से करना। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। 1 2 3 4 गणपति जी नो जय जयकार। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत गणपति जी के डेकोरेशन मैंने बड़ौदा में देखे, बहुत ही खुश हुआ। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं सौराष्ट्र से हूँ एंड सौराष्ट्र में गणपति महोत्सव इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। वहाँ के फेस्टिवल कुछ और है, यहाँ के फेस्टिवल भी कुछ और है, तो यहाँ के फेस्टिवल के एंजॉय करने का मुझे बहुत ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच माई दोस्त रुसिल पटेल, ये गणपति जी की शेयर करवाने के लिए। दोस्तों, बड़ौदा के आसपास घूमने जैसी कई सारी प्लेस के हमने वीडियोज बनाए है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको एक स्पेशल बड़ौदा का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता रहूंगा ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव व्लॉग एंड वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।